सवेरे सवेरे गो वाली शर्ट पहन के गोवा। तो आज ऑफिस के बाद मेरा मेला जाने का प्लान है, जहाँ भैया और मैं मेले के लिए निकल जाते हैं। एटीएम से थोड़ी अपनी यूट्यूब की कमाई निकाल लेते, कोई नजर नहीं लगाएगा मेरे पे, और वहाँ से सीधा हम मेले के लिए निकल जाते। इतनी गंदी भीड़ हो रही थी रास्ते में कि क्या ही बताऊं। हाँ, मैं वही यूट्यूबर हूं। पर आप लोग क्यों डर रहे हो? मुझे देख, झूलों की तरफ हम जाते नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा डर लगता है। घूमते हुए एक गाड़ी मुझे टक्कर मार देती है, उनसे पूछता हूँ मुझे बिठा लो। वहाँ से निराश होकर मैं अपनी कला का प्रदर्शन करता हूँ। जगह पे मुझे सबसे ज्यादा भीड़ दिखती है, वहाँ पर 5-10 रुपए के सामान मिल जाते हैं। मैं अपने लंबे बालों के लिए रबड़ ले लेता हूँ, फिर भैया निशाना लगाने की कोशिश करते हैं। तुम रहने दो। फिर हथियार मैं अपने कंधों पे ले लेता हूँ, ज्यादा कुछ मुझसे भी नहीं होता। फिर मैं कंटेंट ढूंढते हुए भटकता हूँ। मेले आए तो भेलपूरी खाना तो बनता ही है, एक चिप्स उठा के खा भी लेता हूँ। ब्रेक डांस वालों का धंधा थोड़ा मंदा चल रहा था क्योंकि कहर इसने ठा रखा था। इस भैया से दरखास्त करता हूँ मुझे भी बिठा ले, पर ये मुझे वजन देख के मना कर देता है। ये भैया एक बढ़िया चीज भेज रहे तो इनसे एक ये ले लेते हैं, और ये गोल्डन बालों वाले भैया से डब्ल्यू डुब्ली दे देते अपने लल्ला के। इसके अंदर भैया को लेके एक ही कम्युनिकेशन आ जाता हूँ, ये अपनी भैया की दुकान है गड़ी कैंट में, तो मेरा नाम लेके आओगे तो डिस्काउंट मिल जाएगा आप लोगों को। लल्ला सामान देख के मुझे दो पपियां दे देता है, और ये औरत थोड़ा सा उसको डरा देती है।